जिला हमीरपुर के देश भर में 2 सर्वोच्च अवार्डों से नवाजा गया है, जो कि गौरव की बात है। पोषण अभियान और लिंग अनुपात महिला एवं बाल स्वास्थ्य में बेहतर सुधार करने के लिए जिला हमीरपुर को प्रदेश भर में सर्वोच्च अवार्ड से नवाजा गया है। नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा यह पुरस्कार डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा को दिए गए। 2-2 राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर डीसी हमीरपुर ऋचा वर्मा ने खुशी जाहिर की और अवार्ड के लिए पूरे जिला के लोगों और कर्मचारियों का इसका श्रेय दिया। डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि हमीरपुर जिला ने लिंगानुपात बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पूरे देश में पहला अवार्ड मिला है और दूसरा अवार्ड पोषण अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि इन दोनों अवार्ड के लिए पूरे जिला के लोग और कर्मचारियों को श्रेय जाता है, क्योंकि इन सब के बिना अवार्ड हासिल करना नामुमकिन था। मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमीरपुर जिला को 2-2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड मिला है जो भारत सरकार का पोषण अभियान मिशन चला हुआ है, उसके तहत सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाना था, जिसमें कि लोगों को पोषण का महत्व बताने के बारे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी थी। सारी लेडीज़ का, इंक्लूडिंग गर्भवती महिलाओं का, हमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करना था, बच्चों का वजन नापना था। इन सब एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा पाया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की गई, इसलिए हमीरपुर जिला को लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड भी हमीरपुर को मिला है, जिसमें कि 15 मापदंडों पर हमीरपुर का प्रदर्शन अच्छा पाया गया, जिसमें हेल्थ के इंडिकेटर्स थे, चाइल्ड सेक्स रेशियो थी, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स थे, इन सब में अच्छा प्रदर्शन हमीरपुर ने किया। और साथ ही हमीरपुर को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड के साथ साथ 2,00,000 रुपए का प्राइज भी दिया गया है। इस चीज़ का क्रेडिट मैं हमीरपुर वासियों को, अपने सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को, सभी फील्ड स्टाफ को, सभी को देना चाहूंगी। गौरतलब है कि पूरे 600 से ज्यादा जिलों को पीछे छोड़ते हुए हमीरपुर जिला ने लिंग अनुपात महिला एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए सर्वोच्च अवार्ड हासिल किया है और पूरे देश भर में अलग पहचान बनाई है। वहीं पोषण अभियान में भी एक माह के भीतर ही 15 विभिन्न मापदंडों को पूरा करके प्रथम स्थान हासिल किया है।